उसमें जो चाबी रखता है ना, माने 200-200 रुपए कई आदमों से ले और अंदर ट्राली खाली करवाई, मैं नहीं रहता मुझे भगा दो घर। जी धन्यवाद। नाम है आपका? बलदेव सिंह रघुवंशी। कहाँ रहते हैं आप? हमारिया। 25-25 रुपए ले रहा है, 3-3 हजार रुपए। कनक बेयर हाउस पर मूंग तुलवाने वाले किसानों से लिया जा रहा है पैसा। संचालक के द्वारा लाखों का भ्रष्टाचार, एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचाने को लेकर ग्रीष्मकालीन मूंग की तुलाई का क्रम पारदर्शिता को दर्शाते हुए शासन की निर्धारित तय मापदंड के निर्देश अनुसार वेयर हाउस पर सभी प्रकार की सुविधाओं के अनुसार किया गया है। लेकिन रायसेन जिले के सिलवानी तहसील मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कनक वेयर हाउस इन दिनों वेयर हाउस संचालक, सहकारी समिति एवं परिचेसर का कमाई का जरिया बना है। जहां पिछले कई दिनों से किसानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है और पैसे लेकर किसानों की मूंग की तौल कराई जा रही है, और जो किसान पैसे नहीं देता उसकी मूंग की फसल को रिजेक्ट किया जा रहा है। इन दोनों किरतपुर ग्राम के कनक बेयर हाउस पर प्रबंधन की मिली भगत से बड़े स्तर का भ्रष्टाचार का काला कारनामा सुर्खियों में है। मीडिया द्वारा किसानों से बात की गई तो किसानों का कहना है, हमारा वैजनाथ रघुवंशी, आप यहाँ मूंग तुलवाने आए हैं तो सुनने में आया है कि मूंग तुलाई में पैसा लिया जा रहा है, जिसके बाद ही मूंग तोली जा रही है, रेस्ट के काम ही नहीं चल रहा। तो आपसे कितना पैसा लिया? अभी मेरी तुली नहीं है। तो कितना पैसा लिया जा रहा है? नहीं, एक ढेर पर 2-2 हजार रुपए के लगभग। 2-2 हजार रुपया? अगर जो पैसा नहीं देता उसकी मूंग नहीं तोली जा रही, कैंसिल हो रही है। 25-25 रुपए ले रहा है, 3-3 हजार रुपए। नाम है आपका? बलदेव सिंह रघुवंशी। कहाँ रहते हैं आप? हमारिया। तो उसमें जो चाबी रखता है ना, माने 200-200 रुपए कई आदमों से ले और अंदर ट्राली खाली करवाई, मैं नहीं रहता मुझे भगा दो घर। जी धन्यवाद।